माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। Hello my YouTube family, welcome to Maa Kitchen Corner. Today I am going to show you how to make perfect lasagna. हम इसका मीट सॉस रेडी करेंगे, व्हाइट सॉस रेडी करेंगे, लजानिया के शीट्स को हम बॉईल करेंगे, फिर हम इसे असेंबल करेंगे। थोड़ा सा लेंथी वर्क है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कुकिंग है और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लजानिया रेडी हो जाता है। चलो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लजानिया के लिए सबसे पहले हम मीट सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगी पैन में अराउंड 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और पैन भी हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली हुई है, उसे अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड कर देंगे। अभी फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो पे करेंगे। साथ में ये अराउंड 2 टेबल स्पून गार्लिक है, कम्प्लीटली इसे मिंस कर लिया है, चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ऑयल में हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। प्याज को इस तरह से 2 मिनट के लिए सौते किया था, अच्छी तरह से ये प्याज और गार्लिक जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे ये मैंने 500 ग्राम्स हाफ किलो जो है वो मैंने मटन मिंस लिया हुआ है। आप मटन, चिकन, बीफ कोई भी मिंस ले सकते हो। ये हाफ किलो है कीमा, उसे ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसे भी स्लो टू मीडियम हीट पे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। जो कीमा है उसका कलर इस तरह से चेंज हो रहा है और ये अपना पानी भी इसमें से रिलीज होगा और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक मैंने इस तरह से इसे भुना है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो इसे हैं, ये मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट लिया हुआ है, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो है ओरिगानो है और 1/2 टीस्पून ड्राई बेजल लीव्स है। ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से इसी तरह से हम भुनेंगे जब तक ये कीमा ड्राई हो जाएगा और सारे जो मसाले हैं वो कीमे में अच्छी तरह से लग जाएंगे। आप जो है सॉल्ट और चिली अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। हम इसी तरह से इसे 2-3 मिनट तक भुनेंगे। इसमें इस तरह से इसका वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है, ये जब तक पानी इसका ड्राई हो जाता है तब तक हम इसे इसी तरह से भुनेंगे। जो है ये कीमा है उस बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम ये ऐड करेंगे, मैंने ये 1/2 बेल पेपर लिया था उसको बारीक कट कर लिया है, ये ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। और साथ में ये मेरे पास पास्ता सॉस है जो मैंने ये इसे अपने चैनल पे बनाया है, आप इसकी रेसिपी ले सकते हो। पास्ता पिज्जा सॉस 2-in-1 है, ये हमेशा घर में रेडी होगा तो हमारा जो है काम बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। ये मैंने 2 कप जो है पास्ता सॉस लिया है, ये ऐड कर देंगे और मजेदार सा इसका मीट सॉस रेडी होगा। हम इसे कम अज कम 25-30 मिनट्स के लिए इसमें हम पकाएंगे। इसमें लगा हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी ऐड करती हूँ, सिर्फ 1/2 कप ही ऐड करेंगे और इस ताकि ये बोल जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। इसे इस तरह से हम पकाएंगे। इसका मीट सॉस बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। और अगर आप चिली पसंद करते हो ज़्यादा, मैंने यहाँ पर कम इस्तेमाल किया है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप चिली ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से और इसे स्लो फ्लेम पे ढक के कम से कम 20 से 25 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। इसे 5 मिनट हो गई है जिसे ढक के हम पका रहे हैं और ये देखो ये थोड़ा थोड़ा बबल बबल हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो हम इसमें मैंने ये जो है चॉप्ड फाजले हैं वो ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे और इसे स्लो पे इसी तरह से स्लो हल्की आंच पे इसी तरह से हम इसे पकने देंगे। हमारा मीट सॉस इधर रेडी हो रहा है तब तक हम इसे व्हाइट सॉस रेडी कर लेंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून बटर लिया है, ये ऐड कर देंगे
ये 3 टेबलस्पून मैदा है वो इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसी तरह से स्लो फ्लेम पर हम इस तरह से इसे कुक कर लेंगे। हल्की हल्की सी खुशबू आएगी, फिर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसमें जो है मैदे की और बटर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैदे की हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है और ये अच्छी तरह से इस तरह से जो भुन चुका है। मैंने इसमें 3.5 कप मिल्क लिया है, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए इसमें। पूरा मिल्क मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर लिया है और इसे कंटिन्यूस हम इसी तरह से स्टर करेंगे ताकि कोई भी जो है वो लंप नहीं रहना चाहिए और नीचे दूध जो है वो लग ना जाए। इसे बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये जो है व्हाइट सॉस अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, साथ में 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ओरेगानो है और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, ये भी ऐड कर लेंगे और से इसी तरह से कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये हमारा व्हाइट सॉस अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। तब तक मैं इसे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। व्हाइट सॉस बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो चुका है और मैंने कंटिन्यूस इसी तरह से इसमें चम्मच चलाती रही हूँ। आप ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी तरह से ये थिक हो चुका है और ठंडा होगा तो ये और भी थिक होगा। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब हम लज़ानिया शीट्स को बॉईल करेंगे। तो मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसमें हम लज़ानिया की शीट्स 1 by 1 ऐड करेंगे। ये लज़ानिया की शीट्स है, अराउंड मैंने 12 शीट्स ली हुई है, 1 by 1 ऐड करेंगे। सारी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो वो आपस में जो है वो चिपक जाती है। इस तरह से ये 1 by 1 सारी जो है लज़ानिया शीट्स ऐड कर दी है और उसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सेपरेट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्द से आपस में चिपकने लग जाती है। बस बहुत ही हल्के हाथ से हम इस तरह से इसे सेपरेट करेंगे और अराउंड 70% तक हम इसे कुक करना है क्योंकि ये ओवन में भी बेक होगा तब उस वक्त भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और ज्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो हम इसी तरह से इसे बॉईल करेंगे। हमारे मीट सॉस को तकरीबन 25 मिनट्स हो चुकी है और मैंने इसे 2-3 बार बीच में जो है वो स्टर किया था और ये बहुत ही अच्छा मीट सॉस रेडी हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ। ये हमारे जो लज़ानिया शीट्स है वो अराउंड 70% कुक हो चुकी है। इसे मैं ड्रेन कर लेती हूँ पानी को और ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। ये लज़ानिया शीट्स बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, इसे ड्रेन करके ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये बस हम जब प्रोसीजर स्टार्ट करें उससे पहले ये आपस में चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा हम इसमें इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। अभी हमारी सारी चीजें रेडी है, अब हम लज़ानिया को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम नीचे जो है थोड़ा सा व्हाइट सॉस लगा देंगे ताकि जो लज़ानिया के शीट्स है वो इस पे चिपके ना नीचे। तो थोड़ा सा हम इसे वन बाय वन हर चीज हम इस तरह से लगा देंगे और लज़ाने की शीट्स देखे बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है। इसे हमने 70% कुक किया था और दूसरा 70 जो कंप्लीट जो कुक हो जाएगा ओवन में हम इसे बेक करेंगे तभी। और थोड़ा सा हम इसे शीट्स को ओवरलैप कर लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। लज़ानिया शीट्स लगा दी, अब ये जो मीट सॉस रेडी था हमारा उसकी भी एक लेयर दे देंगे। इसमें जो है ओरेगानो हमने ऐड किया है और साथ में हमने बेल पेपर है और जो हमारा पास्ता सॉस है उसकी बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ रही है। इस तरह से इसे फैला देंगे हम और साथ में हम थोड़ा थोड़ा इसमें मोज़रेला चीज़ जो है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में ये पाजले फ्रेश हर्ब्स की इसकी खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आती है।
इसी तरह से हम सारी लेयर्स को इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। अब इसमें मैं व्हाइट सॉस ऐड करूंगी और वन बाय वन सारी चीजें हम ऐड करेंगे। ये हमारी दो लेयर हो चुकी है, अब मैं ये इसमें हम थर्ड लेयर इसमें असेंबल करेंगे। इसी तरह से सेम रिपीट करेंगे, व्हाइट सॉस ऐड कर दिया, उसे हल्के हल्के से हम इस तरह से फैला देंगे। बस इसी तरह से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ये थर्ड लेयर भी हमारी जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। ऊपर जो है मैंने मीट सॉस लगाया अच्छी तरह से, अब हम इसे पूरा कवर कर देंगे मोज़रेला चीज से। और मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है 180 पे, अराउंड हम इसे 15 टू 20 मिनट्स बेक करेंगे अंटिल ये, जब तक कि ये मेल्ट, चीज भी मेल्ट हो जाएगी और ऊपर से थोड़ा सा ये कलर भी इसका ब्राउन हो जाएगा अच्छी तरह से। और ये सारा चीज अच्छी तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चीज लगाने के बाद इसी तरह से थोड़ा सा मैंने बेल पेपर का इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है इसको, और इस पर हम थोड़ा सा ओरिगनो स्प्रिंकल कर देंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा 180 पे मैंने प्रीहीट कर लिया है ओवन को, और इसे अच्छी तरह से फॉइल से हम कवर करके अब इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। लज़ानिया का जो डिश है उसका चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब मैंने उसे ब्रॉयल पे रख दिया ताकि हल्का सा ऊपर से कलर आ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा परफेक्ट लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें क्रीमी सॉस, चीज़ है, इसमें जो ओरिगैनो के फ्लेवर्स आ रहे हैं, हमारा मीट सॉस है, खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है, तो खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा घर में, आई एम श्योर योर फैमिली विल लव दिस वन। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ।